और पॉलिटिकल इवेंट है जो अभी पटना में हुआ, राजनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण इवेंट है नहीं है अलग विषय है। एक तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री पद की जवाबदेही से नीतीश जी ने अपना मुंह फेर लिया है, तो नीतीश जी व्यस्त, पूरा उनका प्रशासन तंत्र भ्रष्ट, उनके कार्यकर्ता पूरे तौर पे ध्वस्त और बिहार की जनता त्रस्त है। आज परिणाम इसी रूप में हम लोग देख रहे हैं। एक तरफ देश को बनाने और बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जो अपना घर है उसी में आग लगी हुई है। नमस्कार, IVTV देख रहे हैं आप। RLJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और नीतीश कुमार पे तंज कसते हुए कहा कि जब से महागठबंधन में गए हैं तब से सरकारी कामों को छोड़ के दूसरे कामों में रुचि लेने लगे हैं, नतीजा सबके सामने है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, मुख्यमंत्री जी 2-2.5 साल पहले तक बिहार के मुख्यमंत्री भी थे और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुआ करते थे। 2020 से विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। उन्होंने अच्छा काम किया, जनता की समस्याओं के निराकरण में अधिक समय दे पाएंगे ऐसा हम भी। महागठबंधन में गए, गठबंधन का बदलाव उन्होंने किया पिछले 7 साल के अगस्त महीना में। उसके 6 महीना पहले से यह बात अंदर अंदर दिख रही थी कि सरकार का दूसरे कामों में रुचि लेने लगे थे और जिसका नतीजा सब लोगों के सामने है। अभी तो कुछ दिन से साफ साफ यह बात दिख रही और कई बार तो बोलकर भी और संकेत में भी अनेक बार मुख्यमंत्री जी यह बात बताते रहे कि अब उनको मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए मन नहीं लग रहा और एक्शन में मुख्यमंत्री पद का जो दायित्व है उससे ज्यादा दूसरे कार्यों में दिखते हैं। अब पॉलिटिकल इवेंट जो अभी पटना में हुआ, राजनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण इवेंट है नहीं है अलग विषय है, लेकिन उस इवेंट और उस इवेंट की तैयारी में पृष्ठभूमि बनाते हुए पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री जी जिस रूप में इन्वॉल्व रहे हैं, सरकार का जो काम होता है वह काम, एक तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री पद की जवाबदेही से नीतीश जी ने अपना मुंह फेर लिया है, बिहार की जनता को सीधे भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सरकारी काम में आज की तारीख में उनकी कोई रुचि नहीं और इसका नतीजा है जहां मुख्यमंत्री जी लगातार व्यस्त हैं, तो नीतीश जी व्यस्त, पूरा उनका प्रशासन तंत्र भ्रष्ट, उनके कार्यकर्ता पूरे तौर पे ध्वस्त और बिहार की जनता त्रस्त है। आज परिणाम इसी रूप में हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ घटनाओं की हम चर्चा करें, अभी कुछ दिन पहले की घटना है, किस तरह से पैसे की लूट हो रही है विकास के नाम पर। विकास हो लेकिन सिर्फ लूट के लिए कोई योजना बने और कहीं लूट हो रही है उस पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान बिल्कुल नहीं जाए। मीडिया के बंधु जब सवाल करें तो वैसा जवाब जिसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। हमारा दायित्व बनता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के चलते और नागरिक होने के कारण इस तरह की जो स्थिति है, इस स्थिति को जनता के मुद्दों को दबने न दिया जाए, इस राजनीतिक जो चमक दमक है पॉलिटिकल इवेंट की चर्चा चारों तरफ, लेकिन जनता के सवालों को भी दबने नहीं देना चाहिए, बात भी प्रमुखता से आती रहनी चाहिए। इसलिए अभी जो भागलपुर के पास जो सुल्तानगंज में पुल बन रहा है इस तरह से ध्वस्त दो बार, हमारी पार्टी की टीम वहां गई थी, जो तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग हैं तो टीम, और अभी
अभी दो चार दिन पहले एक रिपोर्ट आई है आईआईटी रुड़की, सरकार ने कहा कि हम जांच का दायित्व उनको देते हैं, तो वो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है जो कुछ भी बातें कही गई है, तो उस संदर्भ में इंजीनियर हेमंत जी हैं मेरे बगल में बैठे हुए, तो इंजीनियर हैं, तकनीकी ज्ञान रखते हैं, इनके नेतृत्व में पार्टी की टीम गई थी, मामला तकनीकी है इसलिए दो चार मिनट में अपनी बात उस संदर्भ में रखेंगे और फिर हम अपनी चर्चा करेंगे। सुल्तानपुर के तरफ से तो पिलर नंबर 4 और 5 गिरी थी जो भागलपुर सुल्तानपुर और अगुवानी ब्रिज बन रही है, उस समय ये कहा गया था कि कुछ हवा आने की वजह से अंदर आया था जिसके वजह से वो पुल का काम बाधित हुआ और वो स्ट्रक्चर पूरी तरह फिक्स नहीं हुआ था इसलिए वो बह गया, गिर गया। फिर 4 जून 2023 को जब बिना हवा पानी और आंधी के वो पुल अपने आप भरभरा कर गिर गई, तब हमारे टीम की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार जब हमने वहाँ विजिट किया तो हम यही पाए कि वहाँ का काम जो है बहुत ही अनमने ढंग से किया जा रहा था, बस खाना पूर्ति की जा रही थी क्योंकि 2022 में पुल को कंप्लीट करके देना था लेकिन उसको एक्सटेंशन मिला और 2023 तक का काम कंप्लीट करके देना था। अभी कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आई, पहले बता दें कि उसका जो डिज़ाइन किया है वो कनाडा की कंपनी है मैकेनिक, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 डिज़ाइनर है और 80% जो इंडिया में पुल बन रहा है वही डिज़ाइन कर रहा है। उसके कंसल्टेंट हैं जो कि देखभाल करने के लिए रखा गया है, वो रॉडी कंसल्टेंट हैं जो हर एक स्टेप पे उन पर नज़र रखना होता है, और जो उनके ठेकेदार हैं SP सिंगला जो कि बिहार सरकार के 80% पुल का जिम्मा उनको दिया जाता है, अभी दीघा सोनपुर जो पुल बनने वाला है उसका भी ठेका उन्होंने ले रखा है। अभी क्या हो रहा है कि पुल गिरने का वजह ये तो सौभाग्य है कि पिलर नंबर 8 और 9 के बीच में ज्वाइंट था, सेगमेंट कनेक्टेड नहीं था, अगर वो कनेक्टेड रहता तो पूरा का पूरा पुल साफ हो जाता, गिर जाता। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह सरकार का फेलवर है, जो कंसल्टेंट कंपनी है वो पूरी तरह इन्वॉल्व है इसके भ्रष्टाचार में, कंस्ट्रक्शन वाले तो है ही, डिजाइनर पर कहीं दोष नहीं दिया जा रहा है, अभी रिपोर्ट आ रहा है कि डिज़ाइन ही गड़बड़ थी। तो कोई भी पुल का डिज़ाइन अगर होता है जो डीपीआर बनाते हैं उसको आईआईटी रुड़की या आईआईटी जो भी हो वो अप्रूवल देता है तभी पुल पे काम चलता है। भ्रष्टाचार यहाँ इतना है कि जो कंपनी एक पुल निर्माण निगम से अगर वो कनेक्टेड है लेकिन अगर आप उठा के देख लें एक रॉडिक कंसल्टेंट जो इसका सुपरविजन कंपनी कर रही थी, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, मतलब कि उसका एक एक पॉइंट उसको चेक करना था और हर एक स्टेप का साइन करके उसको देना था तभी वो आगे काम बढ़ता। बावजूद इसके पुल गिर गई, कहीं 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 से भी उसका नाम नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डाउट होता है कि आप अपने लोगों को बचा रहे, साथ में साथ उस डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर से लेके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, MD, CMD, तब मंत्रालय से हर एक का फाइल नोट लगता है, हर एक जगह उनको साइन करना होता है तभी काम आगे बढ़ता है। आज कहीं किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, मात्र एक आदमी का नाम लिया जा रहा है, SP सिंगला का, बलि का बकरा उसको बनाया जा रहा है। अगर कहीं गड़बड़ है तो ये चारों एजेंसी के ऊपर होना चाहिए, सबके ऊपर जवाबदेही देना चाहिए, और ये लोग लगभग जो 2000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है इसका हिसाब या जिसका इसमें दोषी पाए जाते हैं उनसे वापस लेके जनता को उसका जो खर्च है खून पसीने की वो उनको मिलना चाहिए। बाकी सर बताएंगे। जब डिजाइन में फॉल्ट था तो पहली बार पिलर गिरा, आगे काम कैसे जारी रह गया, उसी वक्त काम पर रोक लगना चाहिए था। कहा गया सरकार की ओर से उस वक्त कि आईआईटी रुड़की को जांच की जवाबदेही दी गई है क्यों गिरा था, तो जांच की रिपोर्ट काम जारी रह गया, जांच की रिपोर्ट कम से कम इंतजार करना चाहिए था, नहीं इंतजार किया गया, काम जारी रह गया, फिर से गिर गया। और उसमें कई लेयर होता है, DPR बनाने से लेकर कंसल्टेंट उसमें
की सरकार का डिपार्टमेंट सब जगह से अप्रूवल के बाद ही कोई किसी भी चीज की अनुमति मिलती है, और अंततः जो पेमेंट होता है, भुगतान होता है ठेकेदार का, वह भी सबके अप्रूवल के बाद भुगतान होता है। तो आखिर अगर डिजाइन में फॉल्ट की बात जो अब की जा रही है, डिजाइन में फॉल्ट तो शुरुआती चीज थी, तो डिजाइन में फॉल्ट था तो काम आगे बढ़ा कैसे, और आगे बढ़ा उस बाद पेमेंट भी होते गया। इतना पैसा करोड़ों रुपया जनता का, जिन लोगों की अनुमति से पेमेंट हुआ उसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, इस पर कभी कोई बात नहीं हो रही। तो कौन लोग दोषी हैं, इसका व्यापक इसकी जांच होनी चाहिए, और हाई कोर्ट के किसी जज की निगरानी में जांच का काम होना चाहिए, ताकि जनता के एक एक पैसा का हिसाब मिल सके। मुख्यमंत्री जी से जब पूछा गया, आप सब लोगों ने उस समय पूछा, तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा होने की बात, काम पूरा हो जाता सौभाग्य से पहले कुछ हो गया, अन्यथा पुल चालू होता तब होता तो बड़ा हादसा हो जा सकता। तो कुल मिला जुला कर अभी भी मजाक जैसा इसमें चल रहा, कैसे आखिर पैसा खर्च होकर चला गया। उसके बाद कोई भी एजेंसी उसमें, एक सिर्फ डिजाइन फॉल्ट की बात की जा रही, तो अप्रूवल हो तकनीकी रूप से, लोगों ने अप्रूव किया, फिर कैसे सेंक्शन हो गया, फिर कैसे पैसा खर्च होते गया, पेमेंट होते गया, इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। और मुझको लगता है कि इसमें बड़ी मिलीभगत, अगर जांच के बाद परिणाम आएगा तो दिखेगी, बड़ी मिलीभगत है। और इसमें जो जो एजेंसी इन्वॉल्व है, हमारी आशंका आगे के लिए भी है कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि बिहार में और कई प्रोजेक्ट अभी शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अब अगर यही स्थिति आगे भी रही तब क्या होगा, सीधे सरकारी धन की लूट। मुख्यमंत्री जी अपने काम में इन चीजों पर ध्यान नहीं देने का मतलब है कि लूट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दे दी है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी करते हैं, यही आपको फिलहाल दी है 5 साल के लिए, कम से कम उतना दिन तक जनता के प्रति जो जवाबदेही उसका निर्वहन ईमानदारी से कीजिए, बाकी काम में कैसे आप बैलेंस बनाइएगा आपका मामला है, लेकिन उसके चलते जनता को निरीह मत छोड़ दीजिए, जनता को बेसहारा मत छोड़ दीजिए। इस तरह का जो संवैधानिक दायित्व तो उनके ऊपर है, इस दायित्व का निर्वहन उनको करना चाहिए। मुझको लगता है कि हिंदुस्तान में शायद पहला मुख्यमंत्री, पहला उदाहरण यह होगा जहां जनता मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री के काम को छोड़कर बाकी काम में लगे हुए हैं। काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक छोटा उदाहरण हम और देंगे, हम लोग शिक्षा की बात करते रहते हैं, बहुत दुख होता है, अभी तक जून का महीना लगभग बीत गया, जुलाई आने वाला, और 45% बच्चों को अभी तक सरकारी विद्यालयों में किताब नहीं मिल पाई। कौन देखेगा इन चीजों, 45% बच्चे बिना किताब के पढ़ रहे हैं अभी। 45% जो एक एवरेज है, एवरेज का मतलब कहीं कहीं होगा कि 60% 70% किसी स्कूल में बच्चों को किताब नहीं मिली हो। एक तरफ देश को बनाने और बचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जो अपना घर है उसी में आग लगी हुई है। इस आग को कौन बुझाएगा मुख्यमंत्री जी, इसलिए उनको देखना चाहिए। बाकी काम करें ना करें उनका उनकी मर्जी, लेकिन जनता दायित्व है, उस दायित्व का उनको करना चाहिए। हम उनसे आग्रह करते हैं, उनसे हमारी अपेक्षा। नीतीश जी तो अब जहाँ चले गए वहाँ से न निकलना संभव है उनके लिए, न उगलना संभव है, कुछ भी संभव है। अब बिल्कुल सांप से सुंदर वाली स्थिति उनकी हो ही गई है, अब कुछ भी संभव नहीं उनके लिए, इसलिए बेसहारा हो गए हैं, बेचारा हो गए। लेकिन फिर हम कहेंगे कि कोई अनजाने नहीं हुए, जानबूझकर हुए, जानबूझकर हुए। उनके सामने कई ऑप्शन था, कई रास्ता था, लेकिन सब रास्ता को छोड़ के गलत रास्ता नीतीश जी चुन लिए, तो जिसका नतीजा अब यही होना है। जदयू के साथी आपके कब आ रहे हैं?
हमने तो कहा है कि मुहूर्त लोग देख रहे हैं, अलग अलग मुहूर्त होगा लोगों का, तो उस मुहूर्त पर लोग आते जाएंगे। देखिए, किसी व्यक्ति का नाम लेके चर्चा करना तो मुनासिब नहीं है, कौन कब आएंगे, लेकिन हमने कहा है कि अब वहाँ मेरे साथ कौन लोग आएंगे नहीं आएंगे एक विषय है, लेकिन जेडीयू में अब कोई नहीं रहने वाला, इतना तो तय है। अभी ऐसा सवाल आप पूछ रहे हैं, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं, इंडिया में जाने का फैसला अभी हमने किया ही नहीं, हमारी पार्टी ने फैसला कहाँ किया कि कहाँ जाने वाले, अगर जाते हैं क्या क्या, अगर जाते हैं कोई मतलब। तो सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पार्टी से जो टीम है वो भी गई, जो अगवानी पुल जो ध्वस्त हो गई उसके जांच के लिए हमने आईटी रुड़की से इंजीनियर भी मंगवाया, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने साथ वो इंजीनियर को लेकर के आए थे। जो तमाम जो कारण है जिसकी वजह से पुल ध्वस्त हुआ है, उन सभी कारणों को बारी बारी से बताया कि क्या कुछ कारण रहे हैं, और ये भी कहा है साथ में कि हाईकोर्ट और जज की निगरानी में इसकी जाँच भी होनी चाहिए, सरकार से हम ये भी मांग करते हैं। साथ ही हमारे साथ बने रहिए आईवीटीवी पे, मैं हूँ मौसम झा, कैमरामैन हीरा के साथ, धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।